हाँ हाय, मेरा नाम है शारिफ और आप देख रहे हैं कमाल की गैजेट्स। और आज है मेरे पास कुछ खास आप लोगों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास आया हुआ है एक डब्बा फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने एग्जैक्टली मुझे भेजा नहीं है, बल्कि मैंने वहां से कुछ परचेस किया है। तो क्या है इस डब्बे में? इस डब्बे में है एसर का एक लैपटॉप जिसका नाम है एसर प्रीडेटर हीलियस 300। सो आज हम करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग और मैं दूंगा इसका एक सिंपल ओवरव्यू आपको। याद रहे कि ये कोई फुल रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि फुल रिव्यू के लिए मुझे कम से कम इस लैपटॉप को 2 से 3 हफ्ते यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा अपने जेन्युइन थॉट्स कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप कंसिडर करिए इसे सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियो हर हफ्ते। सो विद ऑल सेड एंड डन, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो ये है वो बॉक्स जिसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। हैं कुछ यू कुड सी यहाँ पे प्रेडेटर का कुछ लीफलेट वगैरह है, यहाँ पे कुछ कंटेंट से रिलेटेड चीजें हैं, सेटअप गाइड है, ये भी कोई गाइड है और साथ में वारंटी कार्ड वगैरह है इसमें। तो ये है वो बॉक्स, इसमें प्रेडेटर लिखा है, सील जो है वो ब्रोकन नहीं थी, अभी मैंने उसको खोला है। सो मेटेलिक फिनिश है यहाँ पर, काफी अच्छा देखने में लग रहा है ये। और प्रेडेटर का लोगो, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। तो ये है लैपटॉप, इसमें क्रस्ट ये एल्युमिनियम ऊपर दिया गया है, विच इज रियली नाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोर्शन एल्युमिनियम है, यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक दिया हुआ है, और ये भी आई थिंक प्लास्टिक ही है, ये पैकेट वगैरह है कि नहीं ये अभी पता नहीं है। तो अभी देख लेते हैं कि इस डिब्बे में क्या है। इस डिब्बे में चार्जर ही होगा, तो इसमें चार्जर ही है, आप देख सकते हैं। साइड और हम बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। ये है वो लैपटॉप, इसका लिड हम ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। कुछ इस तरह ओके, तो ये कह रहा है कि इसको पहले आप प्लग इन कर लीजिए चार्जर में, इसके चार्जर को, और उसके बाद फिर आप इसे ऑन करिए। इसको भी हम रखते हैं अभी साइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1080p स्क्रीन यहाँ पर लिखी हुई है, 1080 प्रिंटर का यहाँ पर लोगो है, जैसे कि बाहर भी दिया हुआ है। जो इसकी स्क्रीन है डॉल्बी ऑडियो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एनवीडिया लिखा है, GTX 1050 Ti, USB 3.1, DDR4, मीमो, अप टू 2x फास्टर वायरलेस है, बैकलाइट कीबोर्ड है, एरो ब्लेड 3D फैन है, यहाँ पे इंटेल कोर i5 7th जेन लिखा हुआ है, एनवीडिया कोर GTX, एनवीडिया GeForce GTX यहाँ पर लिखा है। अब जो साइड में हम देख लेते हैं कि साइड में आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे पोर्ट्स, ये लाइन USB Type-C, ये मसला 3.1 है, और जो कि फर्स्ट जेन वाला यहाँ पे टाइप सी है शायद, ये HDMI पोर्ट है, यहाँ पर है USB 3.0, SD कार्ड रीडर, और इस साइड में आपको देखने को मिलता है 2 USB 2.0, और यहाँ पे ये पावर चार्जिंग के लिए है, और ये है हेडफोन के लिए। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये फ़ैन हीट को बाहर निकालने के लिए ये दे रखा है, यहाँ पे फैन डुअल है जो पीछे से आपको दिख जाएगा, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बट दो फैन हैं यहाँ पे। और ये हैं दो स्लॉट्स, मेरा ख्याल है कि ये शायद रैम के लिए है, और ये शायद हार्ड डिस्क के लिए, या ये हार्ड डिस्क के लिए, ये रैम के लिए। तो इसे जब मैं खोलूँगा तो अपने फुल रिव्यू में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कौन है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक रबर का यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा स्टर्डीनेस के लिए, ताकि लैपटॉप ग्रिप अच्छा रहे जिस भी फ्लोर पर आप इसे रखें। और पीछे से ये कुछ इस तरह से रेड दिखता है, विच इज़ नाइस। कीबोर्ड की अगर बात करूं तो कीबोर्ड काफ़ी स्टर्डी हैं, बट थोड़ा सा फ्लेक्स है यहाँ पे,
बट ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। और ये पोर्शन जो है, ये जैसे जो इसका है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये भी मेटल ही है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। और इसकी अगर ट्रैक पैड की बात करें तो आई बिलीव कि ये विंडोज प्रिसीजन ड्राइवर है, तो इसे अच्छा ही होना चाहिए। बट इसमें जो ये टैक्टाइल है फीचर, ये काफ़ी हार्ड है। आई मीन मेरी लाइकिंग के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप क्लिक करते हैं तो आई गेस आपको उतना पसंद नहीं आएगा। तो अब हम इसे ऑन कर लेते हैं, क्योंकि उस लीफलेट में लिखा था कि पावर ऑन, पावर केबल लगा करके आप इसे ऑन करिए। तो अब इसे हम थोड़ा ऑन कर लेते हैं। फिलहाल ये विंडोज़ की अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है। मैंने अपने वाईफाई, लोकल वाईफाई कनेक्शन से इसको कनेक्ट कर दिया है। इसको हम अपडेट होने देते हैं और हम कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली बूट अप हो चुका है और इसमें बहुत सारे अपडेट्स वगैरह हुए थे, तो वो सारा अपडेट अब हो चुका है। तो अब आप अगर मैं थोड़ा सा इसमें पासवर्ड डाल दूँ तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि स्क्रीन इसकी किस तरह की है। ओके सॉरी, पासवर्ड इज रॉन्ग, ट्राई वंस अगेन। ओके सो ये हो चुका है, ये है, आप स्क्रीन इसकी देख सकते हैं। तो इसकी व्यूइंग एंगल जो है, जो मुझे अभी दिख रहे हैं ऐसा, ये बहुत अच्छे तो व्यूइंग एंगल्स इसके नहीं दिख रहे मुझे। ऑल्दो ये एक IPS LCD पैनल है, टीन पैनल नहीं है, उसके बाद भी व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एंगल से आपको उसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्यूइंग एंगल इज़ नॉट रियली अप टू द मार्क। यहाँ पर प्रेडेटर सेंस एक ऐप दिया गया है, जिससे आप फैन की स्पीड को और इस तरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कूलर बूस्ट टेक्नोलॉजी भी दी गई है इसमें। जैसा भी रिसेंटली हमने MSI के लैपटॉप में भी देखा कि ये सेम फीचर्स उसमें भी है, तो मोस्ट लाइकली गेमिंग लैपटॉप में ये सारी चीज़ें हमको देखने को अब मिलती हैं, तो काफ़ी कॉमन हो गया ये चीज़ें। फ्रंट कैमरा अगर हम इसका देखें तो, क्योंकि ठीक है, काम चलाने के लायक है, कुछ ऐसी बात नहीं जिसके बारे में कुछ बात की जाए। जिसके मैंने बताया, व्यूइंग एंगल्स यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये काफ़ी एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बहुत सारे फिंगरप्रिंट के यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्स लग चुके हैं इस पर। सो ओवरऑल नाइस लुकिंग लैपटॉप है, बट फिंगरप्रिंट का इस पर लगना, ये टोटली आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा रुइन कर देता है। सो अभी इस लैपटॉप को मैं कुछ हफ्ते इस्तेमाल करके देखूंगा और अपना फुल रिव्यू जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये थी एसर प्रेडेटर हेलियो 300 की अनबॉक्सिंग और उसका एक सिंपल ओवरव्यू। और आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ।